सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एफएम 101 कराची की आवाज़ आपके समातों में जो आवाज़ सुनी जा रही है, नैना नासिर की है। जी हाँ, इस वक्त हम आपके साथ एक प्रोग्राम नशर कर रहे हैं जो कराची और हैदराबाद से एक साथ एफएम 101 से रिले होगा। ये प्रोग्राम जो है वो कोविड-19 के हवाले से है कि कोविड-19 के मरीज घर पर रहते हुए बीमारी से कैसे निपटें, तिब्बी माहिरीन के मशवरों के हवाले से होता है कि कोरोना वायरस के अलामत क्या है और उनका इलाज क्या है। ये प्रोग्राम हैंड्स की जानिब से यूनिसेफ और हुकूमत सिंध के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कराची हैदराबाद से एफएम 101 पे बयस वक्त नशर हो रहा है। हैंड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। जी हाँ, हैंड्स के बानी अब्दुल गफ्फार बिलू जो सितारे इम्तियाज से नवाजे गए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 40 सालों से मुल्क में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रही है और ये इदारा हर किस्म के डिजास्टर्स में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। हैंड्स की 35 ब्रांचें हैं जो पूरे मुल्क में काम कर रही हैं। करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। 21,000 से जायद गाँवों में तकरीबन 59 डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहे हैं और इनके जो सैकड़ों की तादाद में ट्रेंड वर्कर्स हैं वो तंगदिली से और खुश दिली से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हैंड्स और क्या क्या काम कर रहा है बिल्कुल हम आपको बता दें, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जी हाँ, ऑनरेबल मेहमान डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर हुमैरा नईम जो कि हैंड्स के हेल्थ प्रोग्राम की जनरल मैनेजर हैं जो गुज़िश्ता 5 सालों से हैंड्स के साथ वाबस्ता हैं। हुमैरा नईम साहिबा मेडिकल डॉक्टर हैं, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने गायनेकोलॉजी में की है और इसके अलावा न्यूट्रिशन एक्सपर्टीज में भी उनका शुमार होता है। फैमिली प्लानिंग के बहुत से प्रोजेक्ट में ये बहुत महारत हासिल रखती हैं। अपनी इसी महारत की वजह से हैंड्स के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जदोजहद में भरपूर हिस्सा ले रही हैं और डॉक्टर हुमैरा नईम की सरबराही में हैंड्स हेल्थ प्रोग्राम की टीम ने अपना हदफ, जिसको गोल्स कहते हैं, वो हासिल कर लिए हैं। तो चलिए जी, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर हुमैरा नईम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद डॉक्टर साहिबा। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जश्न आज़ादी के एडवांस में बहुत 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 मुबारक हो आपको। जी बिल्कुल, आप सबको बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत ज्यादा जश्न आज़ादी मुबारक हो। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है कि आज़ादी का ये महीना है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों को अवेयरनेस तो दे रहे हैं लेकिन वो खुशी अपनी जगह है जो आज़ादी के लिए होती है। बिल्कुल, और जिस तरह हम सब जानते हैं कि पिछले हम 3-4 महीने से कोविड-19 की जो भी सिचुएशन है हम उसको डील कर रहे हैं और फेस करते चले आ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है होपफुली जो डिक्लाइन वाला फेज़ है वहाँ पे आ गया है और समझिए कि ये 14 अगस्त के साथ साथ अल्लाह ताला का एक और तोहफा है हमारे लिए कि हमारी कौम जो है हम सब की मदद से और सब की पूरी कौम की जद्दोजहद से जो है वो हम इस बहुत बड़े पेंडेमिक से निमटने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं और हम ये खुशियाँ मना रहे हैं काफी अरसे के बाद। तो चले जी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे, आबाद रखे और इसी तरह हम लोग खुशियाँ मनाते रहे, इसी तरह हम जितने डिजास्टर्स आते हैं, पेंडेमिक होते हैं, उससे हम बहिफाजत बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका 5 साल तजुर्बा हैंड्स के साथ काम करने का है, तो क्या कहेंगे आप, ये तजुर्बा कैसा रहा, किस हद तक अपनी जो खिदमात हैं उसमें अपनी कामयाबी समझते हैं कि जो हैंड्स के गोल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं? देखिए, मेरा जैसे आपने मेरे तारुफ में बताया कि मैं बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मेरा जो एक बहुत बड़ा अरसा जो था वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही गुजरा था, लेकिन फॉर्चुनेटली जो है वो एक चांस मुझे मिला और मुझे इस सेक्टर में काम करने का, हैंड्स जैसी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं आई थी इस तरफ तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पे लग के इतना काम कर सकूँगी या मैं वापस अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ चली जाऊँगी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे यहाँ रोके रखा वो ये था कि जब मैं किसी पेशेंट के साथ मिलती थी या जब मैं उसको ट्रीट करती थी तो मेरे जहन में होता था कि इस एक फ़र्द को फ़ायदा हुआ है मेरी किसी भी खिदमत से, लेकिन जब हैंड्स पे मैं गई तो मुझे लगा कि ये तो मेरा तो स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं एक नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की खिदमत कर सकती हूँ। तो दैट वॉज द रीज़न कि आई स्टक ओवर देयर और इसमें मेरी सीनियर मैनेजमेंट की मैं बहुत ज़्यादा ओबलाइज्ड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे।
इसी हवाले से जितने भी डिजास्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग कोरोना पे हैंड्स बहुत काम कर रहा है, तो डॉक्टर साहिबा क्योंकि आजकल कोविड जो है 19 से बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बहुत से लोग खौफजदा इसलिए भी हैं कि उन्हें पता नहीं है कि उसे कोविड हो चुका है या होना है या होगा या नहीं, इसी कश्मकश में मुब्तला है। अच्छा, अगर किसी शख्स को कोविड 19 की अलामत हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, मेरा ख्याल में सबसे पहले तो अब जितना ज़्यादा कोविड 19 की अलामत के बारे में बताया गया, मेरे ख्याल में शायद ही कोई बीमारी होगी जिसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ होगा ना, और इतनी ज़्यादा मालूमात फराहम की गई होंगी हर लेवल पे। तो ये तो बेसिक अलामत है, मेरे ख्याल में हर एक को पता होंगी कि जनाब तेज़ बुखार का हो जाना और नज़ला ज़ुकाम हो जाना, खांसी होना या गले का ख़राब होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर सांस लेने में कोई दुश्वारी होना। अच्छा, ये बड़ी जनरलाइज सी अलामत है ना, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कहें कि जी ये स्पेसिफिकली सिर्फ कोविड 19 में ही होता है। ये बड़ी जनरल सी अलामत है, लेकिन एक रूल होता है जब भी कोई और WHO या इस तरह के जो इदारे हैं वो पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं तो फिर हम पे लाजिम होता है कि कोई भी अलामत के साथ बंदा आए तो हम सबसे पहले इस पेंडेमिक डिजीज़ को एक्सक्लूड करें, फिर हम किसी और तरफ जाएं। तो जाहरी बात है शुरू में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसेमिनेट किया गया था, हेल्पलाइंस दी गई थी, हम सबको पता है कि जनाब अगर हमें बुखार कोई और वजूहत डेफिनेटली हो सकती हैं, यानी समझिए कि चार में से होता यह है कि कोई एक को अगर हम चार टेस्ट कराएं तो किसी एक को जो है वो इस तरह से पॉजिटिव आएगा, इस तरह का ही ट्रेंड चला है पिछला जो हमने देखा है। लेकिन इसमें यह है कि जनाब आपको एक्सक्लूड कोविड 19 को ही करना है क्योंकि ये पेंडेमिक डिक्लेयर है, तो इसके लिए कई हेल्पलाइंस हैं, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, जैसे आप लोगों को सिनका यहाँ का पता होगा 1166 हेल्पलाइन है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा समझता है या उसको ज़रा सस्पेक्ट कर रहा है अपने आप को कि या अपने आप को सेटिस्फाई होना चाह रहा है कि मैं इसको देखूँ, तो वो 1166 पर रब्ता कायम करे, वहाँ पूरी फोर्स मौजूद है, वो आपको पूरा गाइड करेगी। नहीं कर सकते तो किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप पूछ सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट लेवल पे आज हर डॉक्टर को पता है कि कोविड 19 की क्या, सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, और वन टच पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गई। तो डॉक्टर साहब चले ये तो है कि टेस्ट करवाया और ना भी करवाया, समटाइम ऐसा होता है कि टेस्ट ना भी करवाए तो कहा जाता है कि भाई ठीक है सिम्टम्स हैं तो आप क्वारंटीन कर लें या आइसोलेशन में चले जाएं। अच्छा, ये क्वारंटीन क्या है और आइसोलेशन और क्वारंटीन का फर्क आप बता दें। जी बिल्कुल, टेक्निकली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोनों में ना। अच्छा, क्वारंटाइन जो हम बहुत ज़्यादा करंटीना हम खबरों में भी सुनते हैं सब कुछ, क्वारंटाइन हम उन लोगों को करवाते हैं जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, यानी शक कर रहे होते हैं कि कहीं इसको वायरस का इन्फेक्शन हो तो नहीं गया है या हो तो नहीं जाएगा। अच्छा। यानी उस बंदे के अंदर कोई अलामत नहीं होती। हाँ। उसके अंदर हो सकता है कि उसको ना बुखार हो, ना नज़ला हो, ना खांसी हो, लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री ऐसी हो कि वो एक्सपोज हुआ हो। यानी जनाब आज जो है, कल जो है मैं अपने दोस्तों से मिलके आ गई, हाथ मिला लिया और जनाब खूब गले मिल ली उनसे और कल वो डायग्नोज हो गए। अब मैं परेशान हूँ कि जनाब मैं क्या करूँ, मैं तो उसके साथ हाथ भी मिलाया था और मैंने शायद वो हिफाजती तदाबीर भी नहीं इख्तियार की थी। तो अब मुझे ये चाहिए कि मैं क्वारंटाइन हो जाऊं, अपना टेस्ट कराऊं डेफिनेटली, और जब तक उस टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब बाहर ममालिक से लोग आते थे तो हम उनको क्वारंटाइन करवा देते थे 15 डेज के लिए। तो क्वारंटाइन तो ये है, और आइसोलेशन ये है जब वो इन्फेक्शन बंदे में कन्फर्म हो जाए, मतलब जब वो डायग्नोज केस ऑफ कोविड 19 है तो फिर वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, अलग कर ले, ताकि दूसरे लोगों को उस इन्फेक्शन से जो है वो बचाया जा सके। तो बड़े अच्छे से आपने बताया कि क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या फर्क है। बहुत से लोग हम जैसे हैं कहते हैं आइसोलेशन क्वारंटीन, हम समझते थे कि दोनों एक जैसा है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस। तो चलिए जो सुनने वाले उन्हें बता दें कि आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हैंड्स के और हैंड्स और हुकूमत सिंध के ताउन से यूनिसेफ के साथ कोरोना के हवाले से इसके अलामत और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं अपने आप को। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि जब कोविड 19 पॉजिटिव आता है या अगर ना भी आए तो समटाइम डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई चलें आप थोड़ा सा क्वारंटीन कर लें या आइसोलेशन में अपने आप को कर लें, तो कुछ गजा का फ़र्क होता है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ गजाएँ हैं कि वो खानी चाहिए या नॉर्मली जो हमें खानी है वही हम खाते रहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो ये सवाल है इसमें जो पहला हिस्सा था थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं कि रूल ये है या गाइडलाइन ये है
कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप टेस्ट करवाएं. सही, ठीक है ना. ये एक क्लियर कट जो है वो रिकमेंडेशन है कि कोई भी डॉक्टर अगर अपने मरीज को ये सस्पेक्ट कर रहा है कि इसको COVID-19 शायद है तो फिर लाजिम है कि वो उसको टेस्ट करवाए, उसको लाजमी एडवाइस करे, क्योंकि ये फिर डायरेक्ट लिंक करता है उसके सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ. हो सकता है कि कोई बंदा जवान हो या उसका अच्छा इम्यून सिस्टम है, उस बहुत ज़्यादा उसको मसला ना हो, लेकिन हो सकता है वो अपने घर वालों के लिए जो है वो अगर उसको इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा बिल्कुल, तो फिर उसकी वालदा या वालिद या कोई इस तरह का फैमिली मेंबर है उनको एग्जैक्टली उनको वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. तो ये तो एक प्रॉपर एक रूल है ना कि अगर डॉक्टर ये सस्पेक्ट कर रहा है तो फिर वो टेस्ट करवा ले. अच्छा, दूसरी बात यह है जो आपने कहा कि ग़िज़ा से रिलेटेड, तो देखिए ये बेसिकली चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी बीमारी हो. सही. आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में हमारी क़ुव्वत मुदाफियत पैदा की है नेचुरल, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं जी. तो वो एक निज़ाम है जो हर इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो दिया है ना. तो इसमें सिंपल कोई स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं है गाइडलाइंस के हिसाब से कि जनाब आप ये खा लीजिए या ये खा लीजिए, लहसुन ले लें या इस तरह से. हाँ, आपने हर वो चीज़ लेनी है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफियत को मज़ीद तक़वियत देता है. जैसे आप लोग सुनते हैं जी विटामिन सी ले लें, ई ले लें, तो क्या है ये डाइट में से आपने सब कुछ निकालना है. आपने बैलेंस डाइट लेनी है. आपने जनाब अगर फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं तो वो फ्रेश लेने हैं. यानी ये जनरल रिकमेंडेशन है जो हर बीमारी के लिए है. यानी आप ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स लें, आप वेजिटेबल्स लें, ताकि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए बिल्कुल. हाँ. आप अगर प्रोटीन का सोर्स है तो आप दालें भी ले सकते हैं और आप साथ में गोश्त और अंडा वगैरह भी ले सकते हैं. सही. दूसरी चीज़ ये पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए. अच्छा, जनरली भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए और कोई भी बीमारी हो ताकि आपकी बॉडी के कोई टॉक्सिन्स हैं तो वो निकल जाएं, अपने आप को एक्टिव रखें. अगर आप थकावट नहीं महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की वर्जिश आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है. और अगर आप थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी जो है वो बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड है फिजिकल हेल्थ के साथ. ये बिल्कुल आपने सही बताया कि स्ट्रेस तो जाहिर होगा जी. अगर जिसको भी ये पता चल गया कि भाई वो COVID-19 पॉजिटिव है, कोरोना हो चुका है, बिल्कुल, तो साइकोलॉजिकल उस पर बहुत से असरात होते हैं, उसके लिए आप कुछ बता रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं. असल में ये एक आम सा वायरल इन्फेक्शन है. हाँ, स्प्रेड कर गया और ये पेंडेमिक बन गया बिल्कुल. और हर एक के लिए ये इतना खतरनाक भी नहीं है. आप समझिए कि मेजॉरिटी को जो है वो जनरल माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही ये जो है ये खत्म हो जाता है. अपने जो भी इसका पीरियड होता है 14 दिन या 3 हफ्ते तकरीबन, वो खत्म हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता. लेकिन पता नहीं किस तरह से ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये स्टिग्मेटाइज कैसे हो गया ये इशू. लोगों ने छुपाना क्यों शुरू कर दिया, ये एक आम नज़ला जुकाम खांसी है. तो हाँ, जी, 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 जी. तो ये चीज है कि लोगों ने फिर छुपाना शुरू कर दिया और फिर लोग बहुत स्ट्रेस में आने लगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ. और बहुत ही और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे से ये मैनेज हुआ है. सिंपल तरीका इसका ये था जो शुरू से मैसेज दिया गया कि जनाब आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सारे काम आपने करने हैं. हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में. और जो लोग ज्यादा मतलब समझिए कि पोटेंशियल हैं कि इस तरह के ले सकते हैं, वो आपके एल्डरली लोग हैं और जनाब किसी को डायबिटीज है या कोई आपका कार्डिक पेशेंट है या कोई भी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है साथ में, उनको जरा चांस ज्यादा है, तो थोड़ी ज्यादा एहतियात कर लें. बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया. ये कि लोगों ने इसका एक इशू इस तरह बना लिया कि अछूत की तरह कर लिया. Exactly. कि लोगों ने उस घर से निकलना जो है गुजरना छोड़ दिया और जैसे उनके साथ इस तरह बिहेव कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे कि जैसे ये कोई अछूत हो, ये बीमारी उड़ के, हालांकि एक घर में रह के भी. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी से रिलेटेड आपसे सवाल करूंगी. मैं तमाम सुनने वालों को बता दूं कि FM 101 कराची के स्टूडियो से इस वक्त आप हैंड्स के इश्तराक
ब्लैक हैंड्स की तरफ से हुकूमत सिंध और यूनिसेफ के इश्तराक से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जो कोरोना वायरस के हवाले से आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और डॉक्टर हुमैरा नईम साहिबा हमारे साथ हैं, जो हैंड्स की हेल्थ प्रोग्राम की जनरल मैनेजर हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जब पता चल रही है तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम खामखा के मुगालते में रह जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि एक घर में एक से ज़्यादा भी पेशेंट हो जाते हैं जी, तो क्या सबके लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए? अगरचे एक घर छोटा है नहीं हो सकता, तो फिर इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? देखिए, रिकमेंडेशन तो यही है कि हम अलग अलग आइसोलेट करें जी, रिकमेंडेशन तो यही है जी, आप अलग आइसोलेट करें। और लेकिन बहरहाल हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक के घर में जनाब 3-4 कमरे हों और वो अलग अलग आइसोलेट। लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन की बात करेंगी तो बिल्कुल अलग अलग ही रिकमेंडेड है। लेकिन अगर इन केस ऐसा है कि नहीं है कमरे, तो फिर ठीक है, आप हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह, लेकिन उसमें भी वो अगर एक कमरा भी है तो उसमें डिस्टेंसिंग आपस में भी रखें। और वो जो रूम है, बेहतर ये होगा कि वो रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी हवा का गुजर अच्छा हो उस कमरे में, ये बहुत जरूरी है उस कमरे के लिए। हवा का गुजर हो और 2 मीटर के फासले से अगर बैठ आपस में हो और एक दूसरे की चीजें हम लोग ट्रांसफर ना करें और एक दूसरे की जगह को टच ना करें। बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर जो हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है जी, जिस जगह वो बैठे हैं वहाँ पे जनाब जो भी सरफेसेस हैं उनको डिसइंफेक्ट किस तरह करना है, जो हमें पता है कि जनाब ब्लीच सोल्यूशन जो जनरली होता है या सोडियम हाइपोक्लोराइट हम जिसको कहते हैं, उसका स्प्रे अपने पास रखें कमरे में, और अपनी टेबल और अपनी बेड साइड और अपनी आर्म चेयर्स वगैरह जहाँ हाथ रखते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स की चीजें, इवन जो स्विचेस हैं, बटन्स हैं, जहाँ बार बार कोई आपका हाथ लगता है तो उसको आपने उससे डिसइंफेक्ट करना है। और एक दूसरे से भी थोड़ा एहतियात करना है, ये नहीं है कि हम जनाब वो गले मिलने लग जाएं और वहाँ पे बैठ के हाथ मिलाएं या एक दूसरे के ऊपर खुदा ना खास्ता कफ करें या मास्क, इस तरह का नहीं करना चाहिए। मास्क लाजमी पहनना है। मास्क के हवाले से जरूर मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जो लोग काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो क्या ये प्रोलॉन्ग मास्क पहनने से कुछ इस तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या नहीं? देखिए, मास्क पहनने से तो एज सच कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, मास्क पहनने से ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल लोग समझ रहे थे, कोई कह रहा था कि शायद आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रह जाएगी या आपको ऑक्सीजन का कोई इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। आप देखिए, जो मास्क हम पहनते हैं मेडिकल मास्क, हाँ ये फिट प्रॉपरली होना चाहिए, चारों तरफ से सील होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये प्लेटेड होता है ना जी, जी ये फिट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा लूज होना चाहिए आपके मुंह के सामने से। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा टाइट उसको बांध लेते हैं और बहुत छोटे साइज के मास्क भी यूज़ करते हैं, फिर वो उनको मसला करता है। अदरवाइज मास्क का कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर किसी को कोई पुरानी क्रॉनिक कोई रेस्पिरेटरी मसला है तो वो थोड़ा एहतियात लाजमी करे। अच्छा, जिसका DNS प्रॉब्लम होता है ना कि हड्डी, हाँ, उसको होगा मसला थोड़ा सा, वो थोड़ा सा ख्याल करे तो वो नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल करके कुछ, वो ड्रॉप्स तो वो वैसे भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो ये देख लेना कि घर में तो नहीं वो पहने रहेगा ना, बाहर रहेगा, अगर वो ऑफिस में है तो फिर कोशिश करे कि उसका डिस्टेंसिंग भी ज्यादा हो और थोड़ी देर के लिए वो फिर हटा भी सकता है। चलिए, सामने कोई नहीं है तो चलिए, बहुत जबरदस्त। मास्क के हवाले से भी बात क्लियर हो गई कि पहन सकते हैं अगर जिसको कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो या तो बहुत डिस्टेंस के साथ रहे ताकि इंटरेक्शन कम हो, ताकि होने का और या किसी को ट्रांसमिट होने का खतरा जो है वो कम से कम हो जाए। अच्छा, से मुकम्मल रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? मुख्तलिफ है, आया 6 दिन 8 दिन 10 दिन 14 दिन ही है या बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है? देखिए, नॉर्मली जो है अगर किसी को COVID-19 हुआ है विद माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स तो इट टेक्स अराउंड 14 डेज। लेकिन अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गई है, थोड़ा बहुत उसको सांस लेने में मसला हो गया था, तो ये 3 से 4 हफ्ते भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये कि वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो गया अपना आराम से या ये कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उसको हो गई थी। तो ये मौसमी असरात का भी कुछ क्लाइमेट का असर भी होता है कि ठंड में ज़्यादा या गर्मी में कम या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब शुरू में
कोविड 19 शुरू हुआ था तो फिर ये हुआ था जनाब कि अभी गर्मी आएंगी तो जी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने देखा इंटरनेशनली हर जगह भी गर्मियां जैसे जैसे बढ़ती गई कोविड 19 की हाइप भी बढ़ती चली गई। तो इट हैज नथिंग टू डू विद टेम्परेचर अराउंड, जो आपका मौसम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है ना। आप रहते हैं जनाब 37 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली ना, तो आपकी आप बाहर चाहे कितनी ही सर्दी हो वो वायरस आपकी बॉडी में 37 डिग्री पे आराम से खुशबाश रहता है। इसी तरह अगर बाहर सर्दी है तो आपकी बॉडी तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो उसमें वो कंफर्टेबल है वायरस। मतलब ये ऐसा वायरस ढीठ किस्म का है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर। ये न्यूवेल है तो नोवेल है ये, तो इसका पता नहीं है, दीन ईमान का पता नहीं चलता कि कब आता है कब जाता है और इसके आने जाने का पता नहीं चलता। वो बॉडी जो टेम्परेचर है उस पे वो सही है, कोई ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है, बिल्कुल ना फकीर देखता है ना बादशाह देखता है, ये तो बिल्कुल सही। तो इसलिए कि ये वायरस जो है इसने दुनिया का जो दिमाग है पूरे इसको चेंज कर दिया। तो चले एहतियातें हमारे हाथ में है और हम इसको बढ़ने से बहुत से ऐसे यूरोप ममालिक अमेरिका जैसे और तरक्की याफ्ता ममालिक उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे, लेकिन हम पाकिस्तानी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इसको अच्छे से काबू में रखा हुआ है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ा उसका जो है वो नेमत आप समझ लें इस बात, बहुत रहमत है बल्कि बहुत ये, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब हम लोगों ने दुआएं भी बहुत मांगी हैं, बेशक बेशक, लेकिन एक चीज मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि अभी हम 100% इरेडिकेट नहीं हुआ है, हमारे लोग काइंडली ये ना भूलें। हमारे पास आप देखिए पीछे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जब लोगों ने समझा कि जनाब ये बिल्कुल खत्म हो गया है और हर चीज को वो बैक टू नॉर्मल उन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो वापस उनकी जो है वो हो गया लाइक हाइप्स आई है दोबारा ना, हमने देखा है इटली में भी देखा है, यूरोप में हमने देखा है, यूएसए में हमने देखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो ट्रेंड हमें बता रहा है वो यही बता रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे हालात हैं, हमारे कम केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं और आप अराउंड भी देखें ना, आप अगर अपने जनरल इर्द गिर्द भी सुने तो अब आपको उस तरह से केसेस नहीं सुनाई देने दे रहे होंगे जिस तरह हम पहले सुन रहे थे, लेकिन एहतियात जो है उसका दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना, हर चीज नॉर्मल करनी है, स्कूल भी खुलने चाहिए, कॉलेजेस भी खुलने चाहिए, ऑफिसेज भी, सारी रौनकें बहाल हो जानी चाहिए, लेकिन हमें प्रोटोकॉल्स फिलहाल जो है वो फॉलो करने हैं। बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है, आदत डाल लेनी चाहिए और ये समझना नहीं चाहिए कि नहीं अब हम बच सकते हैं या हम बच गए हैं। बिल्कुल चले जी, ये जबरदस्त आपने बात की कि प्रोटोकॉल को हमें जरूर समझना चाहिए कि इसके क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक दफा जिसको कोविड 19 हो जाए उनका पॉजिटिव आ जाए, क्या चांसेस है कि दोबारा उसको हो सकता है? देखिये अभी आपने ही एक बात की कि ये वायरस अभी नोवेल है, तो इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है और असल में जो आपकी जो इम्यूनिटी होती है ये डिपेंड करती है आपकी जो एंटीबॉडीज़ बन रही है, यानी किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गया उसके बाद उसकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप कर लेती है। लेकिन अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि वो जो एंटीबॉडी है वो उसको कितने अरसे तक जो है वो प्रिवेंट रख सकती है। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो री इन्फेक्शन के आए हैं, अच्छा सुनने में आए हैं, अच्छा लेकिन वो चीज़ यहाँ पे बताई इसलिए नहीं जा सकती है या उसको आप बिल्कुल इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि कई किट्स हैं जिसपे टेस्ट हो रहे हैं ना, ठीक है। तो बाज दफा तो ऐसा हुआ है कि जनाब ऐसा भी होता है कि आपकी किट्स है ना तो एक जगह से आपका पॉजिटिव आ जाता है और दूसरी जगह जब आप करवाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि वो री इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि उसका पिछला टेस्ट शायद फॉल्स, ये देखें और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आते हैं, ये बिल्कुल रूटीन होता है इस तरह से ना, तो ये भी हो सकता है कि जनाब पिछला था ही नहीं, फॉल्स पॉजिटिव आ गया था और एक्चुअल अब आया, लेकिन कोई चीज़ एज सच कहीं नहीं जा सकती है, अभी इस पर काम हो रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया अभी रिसर्च में है, बिल्कुल ये जो है वो नोवेल है तो इस वजह से अभी रिसर्च पे काम होते होते पता चलेगा कि आखिर ये कोरोना चाहता क्या है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी हो गया कि एक दफा मुतासर होने वाला दूसरी दफा चांसेस कम है, लेकिन अगर दूसरी दफा को हो जाए तो उसकी शिद्दत का भी पता नहीं है, आई नहीं है WHO या CDC ने अभी सच कुछ। अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब के जो ग्लव्स पहने रहते हैं, जो एक होते हैं डिस्पोजेबल
और एक होते हैं जो कपड़े के होते हैं या वॉशेबल होते हैं, तो वो क्या वो आया इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं? देखिए ग्लव्स पहनने का भी कोई ना कोई, जैसे हर वक्त ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। मेन मैसेज ये है COVID-19 से बचाव का कि हम अपने हाथ बार बार धोएं, बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना है, ये हम सबको अच्छी तरह पता है। अगर हम बाहर हैं तो हमें सैनिटाइजर यूज करना है हर वक्त। ग्लव्स पहनने से होता यह है कि लोग ग्लव्स पहन के ये समझते हैं कि अब हम सेफ हैं। उनको ये समझना चाहिए कि उस ग्लव पे भी उस वायरस ने उसी तरह से जाके चिपक जाना है जिस तरह आपके हाथ पे चिपक जाना है। फिर उसी ग्लव के साथ वो वायरस लग गया और उसी ग्लव के साथ उन्होंने अपना फेस पे कोई स्क्रैच कर लिया, अपनी आंख को हाथ लगा लिया ना, तो वो वायरस तो चला गया आपके अंदर और वो एक फॉल्स सी जो फीलिंग होती है कि शायद मैं सेफ हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है, बेयर हैंड रहना ज्यादा बेहतर है और बार बार हैंड सैनिटाइज करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके लिए कोई खास पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं या नहीं? आप ट्रीटमेंट के हवाले से पूछ रही हैं। देखिए आज तक भी अभी तक भी कोई भी लाइसेंस्ड जिसको कहना चाहिए ना मेडिसिन COVID-19 की अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रायल्स हो रहे हैं ना, एंटीवायरल्स पे भी हो रहे हैं, सबने सुना है क्लोरोक्विन पे भी हो रहे हैं, हर चीज पे, लेकिन टिल टुडे अभी तक कोई इस तरह की हमें लाइसेंस्ड ड्रग का नहीं पता है। लेकिन जाहिर बात है लोग मैनेज कर रहे हैं, सारी दुनिया में मैनेजमेंट हो रही है और फायदे भी हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से जरूर मशवरा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा मैं कहती हूँ एक स्ट्रिक्ट मैसेज है मेरा अपने सारे ऑडियंस को कि काइंडली आप डॉक्टर, अब आपके पास इतना आप मोबाइल आपके पास है, आपको जरा सा भी शक है तो आप क्यों नहीं डायल करते? ठीक है, चलते चलते क्योंकि प्रोग्राम का इतनी मजेदार अच्छी सी बातें इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही हैं, पता ही नहीं चला वक्त का। अच्छा, इस कोरोना वायरस को हम किस तरह खुद को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं? बिल्कुल वही चीजें जो हम शुरू से सुनते चले आ रहे थे कि जनाब हमने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद ये है कि कम से कम जो है 6 फीट का या 2 मीटर का फासला होना चाहिए और जनाब मास्क पहनना है। जो रेस्पिरेटरी जो हाइजीन है से मुराद ये है कि अगर आपको खांसी आए या आपको छींक आए तो या तो आपने मास्क पहना हुआ हो या टिश्यू पेपर पे आप इस तरह से करें जोर से। ये तो अच्छा, ये सब चीजें नॉर्मल भी एटिकेट्स हैं जो हमें शायद बताने पड़ रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, कोरोना हो या नहीं हो हमें एक दूसरे के मुंह पे नहीं खांसना है, हमें एक दूसरे के ऊपर छींकना नहीं है। ये तो बहुत जनरल मैसेजेस है ना। COVID-19 के बाद भी हाथ हमें इसी तरह से धोना है, सफाई का इसी तरह से ख्याल रखना है और जनाब एक दूसरे से जो है कॉफ या स्नीजिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं करनी है। बहुत जबरदस्त बात है कि डॉक्टर हुमैरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने इससे बहुत फायदा हासिल किया होगा, मुस्तफीद हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ही बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये प्रोग्राम हैंड्स की जानिब से और यूनिसेफ और हुकूमत सिंध के इश्तराक से पेश किया गया और ये प्रोग्राम कराची और हैदराबाद से एक साथ नशर हुआ। अपनी मेजबान नायला नासिर को दीजिए इजाजत।